हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चार्ट है ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है, काफी अच्छा चार्ट है। और इस चार्ट को अगर आपने ध्यान में रखा तो आप बड़े आसानी से ये समझ सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है और इसको क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं ध्यान से कि सीपीयू क्या होता है। तो देखिए, सीपीयू जैसा कि नाम बता रहा है आपको, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सीपीयू के अंदर तीन सेक्शन होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यानी कि सीपीयू के तीन पार्ट्स हो गए, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, राइट। अब देखिए बेसिकली होता है मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट से जुड़ी हुई चीजें होती हैं इनपुट डिवाइसेस, और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट से जुड़ी होती है कौन सी, आउटपुट डिवाइसेस। जबकि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो होता है वो स्टोरेज, मतलब मैंने आपको, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें आपको पता चला होगा कि इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं। और इन सबको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। स्टोरेज चाहिए तो मेमोरी यूनिट का भी यूज करके यूज कीजिएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग चाहिए तो आपको स्टोरेज, मतलब कहने का मतलब ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीपीयू जो होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, ALU, CU, MU, फुल फॉर्म जरूर पूछता है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछता है। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस से इसे भी हम पढ़ चुके हैं, और ये सारे जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये भी सारे हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आइए आज पढ़ते हैं हम अपने सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछता है, डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट इज, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो इसी पर डिपेंडेंट होती है, सीपीयू ही किसी भी तरह की प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है सीपीयू को तीन पार्ट में बांटा गया, ALU, CU और MU। अब देखिए क्वेश्चन एक थोड़ा सा क्या कह सकते हैं आप, कभी कभी ट्विस्ट होता है। ये है हमारा प्रोसेसर, अगर आप प्रोसेसर देखना चाहेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा आपको प्रोसेसर देखेगा, और ये है हमारा सीपीयू। तो आपको सर प्रोसेसर और सीपीयू दोनों का अलग अलग फोटो क्यों लगा रखा है आपने, आपको ये सीपीयू है कोई कोई, और एग्जैक्टली ये है प्रोसेसर हमारा, ठीक है। लेकिन कभी कभी लोग इस प्रोसेसर को ही बोल देते हैं ये है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब ये प्रोसेसिंग के लिए, तो कभी कभी सीपीयू को ही, कभी कभी कोई सीपीयू बोलेगा तो ये आपके दिमाग में आएगा, और कभी कभी जो है ये दिमाग में आएगा। दोनों में सही कौन सा है, देखिए एग्जैक्ट अगर बात करें तो ये हमारा प्रोसेसर ही तो सीपीयू है, क्योंकि यही सारे के सारे प्रोसेसिंग को परफॉर्म करता है। इस डिब्बे के अंदर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ प्रोसेसर नहीं होता, प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, इवन जो इसमें आपको फैंस होते हैं, कूलिंग फैंस होते हैं वो होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने के लिए जो डिवाइस होती है वो लगी होती है, बहुत सारे एडिशनल डिवाइसेस भी तो इसमें होते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग सिर्फ कौन करता है, प्रोसेसर करता है। तो दोनों ही ठीक है, बट मोर एक्यूरेटली प्रोसेसर ही जो होता है वो प्रोसेसिंग करता है। आपके पूरे कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है आपके प्रोसेसर पे, ठीक है। जैसे कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप i3 लैपटॉप है, तो i3 मतलब प्रोसेसर के बारे में बात हो रही है कि प्रोसेसर जो है वो i3 कैटेगरी का है। अगर प्रोसेसर i4 है तो ऑब्वियसली i3 से फास्ट होगा, i5 है तो i4 से फास्ट होगा, i6 है तो i5 से फास्ट होगा। मतलब क्या हुआ कि प्रोसेसर जितना फास्ट होगा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होती है, राइट। आइए ALU के बारे में, जैसा कि पता है इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हुआ, और ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सारे के सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सारे के सारे लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा। मैथमेटिकल मतलब 2 + 3, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो बहुत अच्छे से पता है लोगों को, 2 + 3 इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या 2 × 3 इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 2 − 3, 2 / 3, जो भी आप कर लीजिए, ±, इज मैथम। व्हाट इज लॉजिकल कैलकुलेशन, देखिए लॉजिकल कैलकुलेशन क्या है कि 2 और 3 जो है इसमें अगर आप कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जैसे 2 छोटा है 3 से, तो छोटा है बड़ा है, मतलब ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बराबर है, बराबर नहीं है, ये सब चीजें होती है कैलकुलेटर से नहीं होती है, ये कॉमन सेंस से होती है, जिस कॉमन सेंस की वजह से ही कंप्यूटर अलग है कैलकुलेटर से। आपको पता है कंप्यूटर में और कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस है, कैलकुलेटर भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, कंप्यूटर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि
कंप्यूटर जो है वो लॉजिकल कैलकुलेशंस को, मतलब सोच समझ के भी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता है, जबकि एक कैलकुलेटर नहीं कर सकता है। तो कहता है क्या है कि दो सेक्शंस हो गए एएलयू में, एक होता है अर्थमेटिक सेक्शन, एक होता है लॉजिकल सेक्शन। ठीक है, तो अर्थमेटिकल सेक्शन में क्या होता है, तो फंक्शंस ऑफ अर्थमेटिकल सेक्शन इज टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशन, एडिशन करा लीजिए, सब्ट्रैक्शन करा लीजिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन करा लीजिए। और लॉजिकल क्या होता है कि कंपेयर करना, दो वैल्यूज को कंपेयर करना, दो में से कौन सा निकल के आएगा। मान लीजिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, उसमें से कोई प्रॉपर ऑप्शन चुनना है किसी कंडीशन के बेस पे, वो सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे दो चीजों को मैच किया जाएगा, कैसे डेटा को मर्ज, मतलब एक साथ डेटा को अटैच किया जाएगा। तो जो चीजें सोच समझ के की जाती है वो कैलकुलेशन कहलाती है, लॉजिकल कैलकुलेशन। वो करता है हमारा एएलयू, मतलब अर्थमेटिकल मैथमेटिकल लॉजिकल दोनों काम को परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सीयू। जैसा कि नाम बताता है, सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। पूरे के पूरे कंप्यूटर की कंट्रोलिंग जो है वो कौन करता है, सीयू करता है। तो सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, यानी इसका फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है। दिस इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल ओवर कंट्रोलिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सारे कंप्यूटर सिस्टम की कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग यहीं से होती है। मतलब आप जो कंप्यूटर से, जैसे मान लीजिए सपोज कि आपने कुछ टाइप किया, तो ये टाइप करके स्क्रीन तक आपके कैसे पहुंचता है, कौन लेके जाता है, आप कुछ सेव करते हैं उसको हार्ड डिस्क तक लेके कौन जाता है, मतलब आप कोई प्रिंटर का प्रिंटिंग ऑर्डर दिया तो आपका इन्फॉर्मेशन जो प्रिंट करना है वो प्रिंटर तक कैसे पहुंचता है, ये सारा कंट्रोलिंग पावर किसके पास होती है, सीयू के पास होती है, कंट्रोल यूनिट के पास होती है। ठीक है, अब आइए एग्जैक्टली फंक्शंस क्या होता है। तो मैंने फंक्शंस तो बता ही दिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमॉन्ग यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे जाते हैं, वो होते हैं किसके जरिए, सीयू के जरिए, राइट। दूसरा था इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स, जैसे कि कीबोर्ड प्रॉपर काम करे, माउस प्रॉपर काम करे, वेबकैम प्रॉपर काम करे, आपका स्क्रीन प्रॉपर काम करे, ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, इट ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन मिलता है, उनको इंटरप्रेट करता है, चेंज करता है, और जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने होते हैं वो करवाता है, याद रखिएगा करता नहीं है। ठीक है, एक तो सी सुपरवाइजर है, सुपरवाइज करता है सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, प्रोसेस कभी भी नहीं करता है, यहाँ पे लिखा हुआ इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा, ये काम करता नहीं है, ये काम करवाता है, जबकि ALU एग्जैक्टली प्रोसेस करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को या लॉजिकल कैलकुलेशन को। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। तीसरा है MU। अब MU जो है वो स्टोर करता है, इसके अंदर चीजें स्टोर होती हैं। तो MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ओवर मेमोरी रिलेटेड मैनेजमेंट, सारे के सारे मेमोरी से जुड़े हुए काम जो है वो यही करता है। दिस यूनिट स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड रिजल्ट, सारे इंस्ट्रक्शन सारे डेटा आप कहाँ स्टोर करते हो, MU के अंदर स्टोर करते हो। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें लिखी हुई, जैसे दिस यूनिट सप्लाईज इन्फॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब एक यूनिट, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इन्फॉर्मेशन को सप्लाई भी ये करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल को ओपन किया, तो हार्ड डिस्क से निकाल के ये कहाँ देगा, मॉनिटर तक देगा, ताकि आपको फाइल क्या हो जाए, दिख जाए, तो वही सप्लाई कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है, बेसिकली जो MU है, मेमोरी यूनिट है, आपको मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कि मेमोरी यूनिट दो पार्ट में बटी हुई है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और क्या होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो को मेरे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, जैसे रैम, प्राइमरी मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो रैम है। रैम की कैपेसिटी अगर अच्छी होगी तो आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस भी क्या होगा, काफी अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं कि आपकी मेमोरी जितनी तगड़ी है आपका कंप्यूटर उतना ही क्या होता है, तगड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शंस ऑफ मेमोरी यूनिट, तो इट स्टोर्स द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, यानी डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 2 + 3 × 6, तो आप जानते हैं पहले 6 × 3 = 18 होगा, तो 18 इज नॉट द आंसर ना, लेकिन इस 18 को तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि इसमें प्लस 2 हो सके। अब ये प्लस 2 होने के बाद जो आंसर आया 20, ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन ये स्टोर जो होगा कि 18 आपको स्टोर करके इंटरमीडिएटली रखना पड़ेगा, तो इसी को ये इस चीज को भी ये क्या करता है, स्टोर करता है। मतलब मेमोरी से रिलेटेड हर चीज को मतलब हैंडल करने का काम हमारा किसका होता है, एमयू का होता है। इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट भी स्टोर करता है। ऑल इनपुट एंड आउटपुट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी, यानी सारे इनपुट सारे आउटपुट, ऑब्वियसली जैसे कि मैं अभी जो भी आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये अंडरलाइन स्टोर हो रही है किस में, रैम में। ठीक है, अब इसको मैं परमानेंटली सेव करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी मेमोरी रैम होता है, राम होता है, सेकेंडरी मेमोरी में हम डेटा को स्टोर करते हैं, जो हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा यूज किया जाता है या पेन ड्राइव यूज किया जाता है रिमूवेबल ड्राइव्स में। ठीक है, तो इसका सेक्शन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है पूरे डिवाइस, मतलब मेमोरी यूनिट का पूरा पूरा आप देख सकते हैं वीडियो, और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली मुझे बताने का मकसद ये था कि हमारे सीपीयू का आप फंक्शन यानी कितने पार्ट्स में बांटा गया है। सो आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।